ये अगर मुंह खोल के ऐसा कर रहा है तो यानी कि ये बाइट करने वाला है। जय हिंदुस्तान, नमस्कार। आज आए हैं यहाँ पर महुआ, जो हम लोग का पंचायत है वही, यही जो है महुआ गांव आए हैं, और यहाँ पर कोई सांप कोबरा देखा गया है, गाय का उपला में घुसा हुआ है। तो वीडियो पसंद आता है तो दूर दूर तक शेयर करें, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा जीवन तो बचा रहे, और लाइक करें, और अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोग नज़रें बनाए रखें, निकाल कर। अरे यहाँ पर वो बैठा उसी जगह पे काटा पैर के पास। दोस्तों इसी में जो है सांप देखा गया है, और इतना सारा घर में छोटा सा परिवार है, ऊपर में आप देख सकते हैं इतना सारा बच्चा है, आखिर यहाँ पर ये घर है, और यहीं पर जो है रहना वहना शायद बना लिया होगा, क्योंकि इसके अंदर चूहा रहता होगा। और चलिए आपको निकाल के दिखाते हैं, ये आखिर किस साइड में घुसा, इधर या इधर? वो कोने पे, वो कोने, ये कोने में घुसा हुआ है। छोटा बच्चा कितना बड़ा? अरे कितना दिन पहले? अरे ये 15-20 दिन हुआ है। मार दिए थे तो घर में पकड़े? मार दिए थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दोस्तों ये केचुली का हिसाब आप देख सकते हैं, ये केचुली जो है बिग साइज कोबरा का है। ऑलरेडी मारे भी चुकल छी, बच्चा छोटा हले जाहिर रहा कोबरा है। और ये सांप अभी यानी कि हेलो भाई, सांप अभी बहुत दिन से यहां बसे रहा, पानी बारीक दा बारीक बहुत दिन से बस रहा है। चलिए अब सांप को निकालते हैं। अरे मुनादर, अरे मुनादर, मुनादर भाग 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 भागो भाई। अब उन्हें पीछे खींच लो, ले जाओ चला दी, आता हूं। हाँ वही है, हाँ देखो आप लोग सुनिएगा जो बोलिएगा, ठीक ना? अभी पहले बाहर निकल जाओ। दोस्तों आखिर इसका धड़कन से पता चल रहा है कि इसको खतरा है, इसलिए ये अभी हमको बाइट भी कर सकता है, इससे बचना बहुत ही जरूरी होता है। काफी साइज का तो है नहीं, छोटा साइज का है, मीडियम साइज। इसको पहले बाहर लेके चलते हैं और इसके बारे में पूरा जानकारी देंगे आपको। दोस्तों यहाँ तक जो हम आए हैं तकरीबन एक से डेढ़ घंटा मेहनत करते हैं, तब जाकर के ये सांप रेस्क्यू हुआ है, और ये नया नया अभी चलो बाहर है। ओके धीरे धीरे आइए, फिसल भी रहा है काफी, और ये अपना पूंछ भी हमको गड़ा रहा है। चलिए बाहर चलिए, तो चश्मा गड़ाता है। चलिए लाइट में चलिए, फ्रेश लाइट में। फ्रेश लाइट बाहर में कहाँ? इसी जगह, इसी जगह।
लाइट बाहर में रहते हैं। लाइट दिखा दो, टॉर्च टू करना, टॉर्च दे गया, टॉर्च उधर छट्टा को मार दे, करके टॉर्च अपनो बोले लिया दोस्तों, इसको हिंदी में नाक और कहीं कहीं इसको खरीज बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा और ये अभी काफ़ी डरा हुआ है क्योंकि हम बहुत ही देर से जो है वहाँ पर साफ सफाई कर रहे थे गोइठा का, जो कि ये एटेक्टिवल अभी बिल्कुल है, ये अभी बाइट कर सकता है, लेकिन थोड़ा देर में सब इसको समझ में आ जाएगा कि इसको कोई परेशानी नहीं है। और ऐसा सांप कभी भी छेड़छाड़ होता है तो ऐसा सांप फटाफट जो है बाइट कर लेता है, ये अपना बचाव के लिए ये किसी को बाइट करने का विचार नहीं निकलता है या रात में या दिन में, लेकिन जो है इसको अगर मजबूरी पड़ जाए, जैसे अपने आप को बचाना पड़ जाए तो ये बाइट कर लेता है। हम जो आए हैं महुआ बस्ती, यहाँ पर सांप का काटा जो है तीन धाम में झाड़ फूक होता है ना, यहाँ पर जो है तीन ठो विषहरी मंदिर है, माता का मंदिर है जिसको नाग मनसा विषहरी, बिवला विषहरी और जैसे कि नागों का देवी भी कहा जाता है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो है इसके अंदर एक न्यूरोटॉक्सिन जहर होता है, न्यूरोटॉक्सिक नामक एक जहर होता है, जो कि अगर वो बॉडी में प्रवेश हो जाए तो वो ब्लड को जो है गाढ़ा कर देता है, और ब्लड गाढ़ा जब हो जाता है तो हार्ट को जो है लॉक कर देता है, हार्ट बंद हो जाता है, उसके बाद इंसानों का मृत्यु हो जाता है। तो उससे हार्ट लॉक होने का मतलब से मतलब झाड़ फूक से कोई लेना देना नहीं होता है। तो लोग बहुत सारा बेवकूफ़ी करते हैं कि ऐसा सांप कभी भी काटता है या कॉमन करेक्ट काट लेता है या जहरीला रसल वाइपर या वाइपर प्रजाति का कोई भी सांप होता है तो झाड़ फूक में कदापि ना जाए। ये सांप में जो है न्यूरोटॉक्सिक जहर होता है और इसको काटने के लिए जो है सरकार ने एंटीवेनम हर हॉस्पिटल में उपलब्ध किया है, जिला हॉस्पिटल में यानी सदर अस्पताल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। और अब हम लोग और आप बुड़बकी कीजिएगा तो मारा जाइएगा और बहुत जो है मारा जाता है। तो दोस्तों ऐसा सांप कभी भी किसी को काट ले यानी कि बाइट कर ले तो सीधा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाएं, ना ही कि झाड़ फूक ओझा तंत्र मंत्र में। और इसका ज़्यादा उम्र है नहीं, ये तकरीबन जो है 7 से 8 साल का है। और एक चीज़ बताते हैं कि हम लोग आखिर इतना मेहनत करके इसको बचाते हैं, हम लोग क्या हासिल करते हैं, तो हम लोग यही हासिल कर रहे हैं कि ये पर्यावरण का हिस्सा है और इसको बचाना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे कि हम लोग सांप को बचाए रखेंगे तो ये जहरीला हवा को काटता है और वही जहरीला हवा काट करके हम लोग जो है फ्रेश हवा लेते हैं, जो क्या इसके अंदर जहर जमा हो जाता है जिसको न्यूरोटॉक्सिक जहर बोला जाता है। पता नहीं है कि ये सांप को आखिर क्यों बचाना है, आखिर इसको बचाना क्यों चाहिए, इससे क्या लेना देना है। तो जो शिक्षित लोग हैं उसको ऑलरेडी पता है कि सांप को नहीं मारना चाहिए, ये पर्यावरण का हिस्सा है और जब तक सांप बचे रहेंगे तो पर्यावरण बचे रहेगा और पर्यावरण जब बचे रहेगा तो हम लोग भी बचे रहेंगे। जैसे कि आज से 100 साल 150 साल पहले जो है बहुत लोग जीते थे 100 साल 125 साल 150 साल और वही सांप मारते मारते अभी तक ये नौबत आ चुका है कि अगर हम लोग सांप को ना बचाए तो हम लोग का जो है एक दो पीढ़ी के बाद सिर्फ इसको किताबों में ही देखा जा सकता है, सांप नहीं कोई देख सकेगा क्योंकि इसका अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग इसीलिए पर्यावरण से हर जुड़ा हुआ जितना भी जीव जंतु है सबको बचाते हैं और हम लोग अपना जान पर क्यों खेल करके बचाते हैं, हम लोग पैसा भी नहीं लेते हैं, सिर्फ पेट्रोल का 1 जुलाई से पैसा ले रहे हैं, जो क्या इसको हम जंगल में छोड़ने के लिए जाते हैं और बाकी मेरा बिल्कुल फ्री सेवा है। तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि इसको क्यों बचाना चाहिए, तो इसको इसीलिए बचाना चाहिए कि ये पर्यावरण का हिस्सा है और हम लोग कोई ओझा तंत्र मंत्र झाड़ फूक वाला नहीं है, कोई जंतर मंतर हम लोग के पास नहीं है, हम लोग एक रेस्क्यू टीम और हम लोग का यही कार्य है कि इसको बचाना है और इसको ज़्यादा ना परेशान करते हुए चलिए इसको पाइप की ओर चलते हैं। दीजिए डब्बा दीजिए, ये तकरीबन 3.5 से 4 फीट का कोबरा है।
ये अगर मुंह खोल के ऐसा कर रहा है तो यानी कि ये बाइट करने वाला है, और ऐसा देख करके कॉपी करने का प्रयास ना करें, क्योंकि ये अगर बाइट कर ले एक बार तो फटाफट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चले जाना चाहिए। और कॉपी तो बिल्कुल प्रयास करने का कॉपी करने का बिल्कुल ही प्रयास ना करें, ये भी बिल्कुल गुस्से में। देखिए ये किस तरह बाइट कर रहा है। चलिए दोस्तों इसको बाइट करते हैं। ऊपर से आखिर मारना आखिर नीचे बिनी था बिनी 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 यार बिनी हवा के में तो ठाठ हम फसला ना बहाने करवा पर सब भाग रहे जो है रुकिए चल तो है ना रुको अभी भागना नहीं अभी और कोई बताना है हां हां फिर खेल ग्राउंड है अब है लग रहा है देखो ये तो खाली नीचे मारते हैं ऊपर से ऊपर में नीचे गया दोस्तों इसको पैक कर लिया है, और यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं तो सबको एक बात समझाना हमको बहुत जरूरी है। हेलो, दो हफ्ते पहले एक वो सांप यहाँ मार दिए हैं, तो हम यहाँ यह बताना चाहते हैं, यहाँ बोलते हैं कि सांप को काल है, अभी बोल रहे थे ना कि सांप को मार के चटनी बनाना है, तो सांप अगर नहीं रहेगा तो आप लोग हम और आप जो सुरक्षित हाथ पांव लेकर के जी रहे ना, कोई इस तरह होगा, कोई इस तरह होगा और किस कोई इस तरह होगा, समझ रहे हैं। ये जो जहरीला हवा आखिर काट करके ये जहर को अपना कब्जा में लेता है और हम लोग को क्या देता है, ऑक्सीजन। पेड़ पौधा सांप ये इसका काम है, समझे, तो इसलिए इसको बचाना बहुत ज़रूरी है। हम लोग आखिर इतना इतना आदमी इसको घूरते हैं बचाने के लिए क्यों, हम लोग पैसा वैसा हासिल करने के लिए नहीं घूरते हैं, हम लोग एक पर्यावरण को स्वच्छता देने के लिए घूरते हैं, समझे। और ये जब तक बचा है तब तक जो है जंगल झाड़ पेड़ पौधा सब बचा है, ये खत्म हो जाएगा पेड़ पौधा खत्म हो जाएगा, और जब पेड़ पौधा खत्म हो जाएगा तो हम लोग ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, यानी यहाँ से अभी जमीन से आप 100 फीट अंदर घुस जाइए वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ कोई पेड़ पौधा कोई जीव जंतु कोई सांप नहीं, 100 फीट ऊपर में ही ऑक्सीजन है, 100 फीट ऊपर ऊपर में तो यहाँ से मार रहा है फुहारा तो वहाँ कुछ मिल रहा है, उसके ऊपर ज़्यादा ऊपर चल जाएगा तो वहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा, जो पढ़ा लिखा लोग हैं वो लोग आपको बता देंगे कि सांप को क्यों बचाना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों ये पूरा जानकारी दिए हैं, और आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।